गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हैं मनाली में, और मनाली में बहुत ही सुंदर ठंड और बहुत मीठी ठंड पड़ रही है। मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, एक नदी है और उसमें पानी चल रहा है, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ी हुई है, और पहाड़ों पे तो क्या पूछो, पहाड़ तो पूरे के पूरे ढगे पड़े हैं। ये सब पहाड़ पे बर्फ है पूरी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। कल तो पूरे का पूरा दिन ट्रेवलिंग में निकल गया, आज थोड़ा देखते हैं, मस्ती करते हैं, बर्फ में खेलते हैं, जैसा भी होता है आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बर्फ में कूदने के लिए, डुबकी मारने के लिए। तो चलिए चलते हैं जल्दी से तैयार वैयार होकर बर्फ पर। ये देखिए, पूरी बर्फ जमी पड़ी है पहाड़ के ऊपर, और यहाँ हम जाने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर, जो कि देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम दोनों लोग, जो जैन और मैं, तो जा रहे हैं पैदल चाय के, जहाँ पर चाय का इंतजाम है, मतलब कि होका फोका, और ये बर्फ के ढेर लग रहे हैं। तो मिस्टर जैन से भी बर्फ़ को छू के देख रहे हैं कि हाँ वाकई में बर्फ़ है या कुछ और है। उंगली कर दी बर्फ़ के, और बाकी लोग सब कार से आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पैदल चलते हैं, गर्माई आ जाएगी शरीर में। और ये है पीछे का नज़ारा, और मिस्टर जैन सैफी, साउथ के लोग जो होते होंगे, मतलब वो तो इतनी बर्फ देख के ऐसे करते होंगे, वो कितनी बर्फ है, बर्फ भाई बर्फ है। और इधर के नॉर्थ के लोग, उन्हें तो फर्क ही ना पड़ता। हमें जैन सैफी जो है ना, आमलेट खिलाने लाया है और चाय पिलाने, क्योंकि ये चेक करके जा चुका है यहाँ पर, चेक करके ना पूरी तीन चाय पी के गए हैं और एक आमलेट। यहाँ पे सेटिंग है, मैं बता दूँ आपको, इनका कमीशन, यहाँ पे कमीशन ले लिया है जैन सैफी ने, कि मैं इतने बंदों को लेकर आऊंगा और मेरी इतनी कमीशन रहेगी। ठीक ठीक लगा लो, दोबारा से होगा। पूरी पूरी सेटिंग कर लिए, देखो चाय चाय। तो फिलहाल हमारी चाय वाय और अंडा ब्रेड हो चुका है फिनिश, अब चलते हैं हम जहाँ पर ज़्यादा बर्फ हो। क्यों रिजवान भाई? जी भाई, और किधर जा रहे हैं वैसे, पहले बताओ ये किधर जा रहे हैं। सलाम यहाँ पर बस का नज़ारा देखने को मिलेगा, यहाँ तो हमारा कट चुका है भूपुरा वाला। अच्छा, वैसे कनेक्टिंग हो रही है बादलों की, पड़ सकती है, जादू गया ऊपर। हाँ, सिग्नल जा रही है। चलिए ठीक है, गाड़ी जो है फिसल रही है बर्फ पर, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ पानी, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और रिजवान भाई आकर कुछ बताने वाले हैं हम लोगों को। अच्छा, इस साइड को ले, चलो भाई इस साइड को। तो गाइस, डिसाइड ये हुआ है कि गाड़ी लगाएंगे नीचे और जाएंगे किसी सवारी से ऊपर, क्योंकि गाड़ी जो है ऊपर नहीं जा पाएंगी, इनोवा ये, तो गाड़ी नीचे लगाएंगे, मगर मजा तो पूरा लेना, चाहे गाड़ी कहीं भी लगानी पड़े। तो चलिए देखते हैं नीचे जगह फिलहाल जाकर। हाँ, ये देखिए कितनी शानदार बर्फ है ये रिजवान भाई। अबे मारो मत यार, अभी 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 खेलेंगे। लग चुकी हैं गाड़ियाँ यहाँ पर, लग चुका है बहुत तगड़ा जाम, तो आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, सब जाएंगे नीचे इस और। बोलिए, ये पीछे जो है, पीछे दिखाओ वसीम भाई। हाँ लीजिए, सारी गाड़ी रुक गई है क्योंकि आगे बर्फ बहुत ज्यादा है और ग्रिप नहीं मिल रही है टायरों को, तो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, अभी हम लोग उससे जाएंगे। जैन सैफी मदद करते हुए लोगों की, यार गाड़ियां फंस रही हैं, लोग परेशान हैं, उनके साथ तो फैमिली है यार। चलो चलो, करेंगे सबकी मदद, यहाँ घूमने नहीं आए, मदद करने आए, मदद या अली मदद। चलो चलो, इसे भी करवाओ, कौन सी गाड़ी है भाई की, चलो इसे भी करवाओ, चलो धक्का लगवाओ, चलो जैन सैफी लगो। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, नीचे गाड़ी पार्क करेंगे कुछ कहीं सही जगह पर, और उसके बाद यहाँ से टैक्सी या कुछ ऐसा लोकल बंदों को पकड़ेंगे जो कि हमें घुमा सकें, ऊपर ले जा सकें। इतना जाम लगा पड़ा है, मतलब गाड़ी ऊपर आ ही नहीं रही है, सारे सैलानी नीचे ही हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। 3 घंटे से हम जाम में फंसे पड़े हैं और कहीं गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं मिल रही है, जो कि लगाएं तो सुकून मिले दिल को कि हाँ भाई कुछ घूम लें,
कुछ कर लें कुछ कर लें। पोर हो गए, डील आ रही है कसम से, ट्रिप की बाट लग तो भी नजर आ रही है। गाइस हम गए थे रोहतांग वैली, वहां पर जाम लग गया तो हमने सोचा बर्फ बहुत तेज पड़ेगी, हमने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालने के चक्कर चक्कर में हम आ गए वापस। तो अब प्लान चेंज हुआ है, तो कहीं पैराग्लाइडिंग होती है तो उसको करेंगे खाना खाने के बाद। चलो चलते हैं, एक बार फिर कटवाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां पर पैराग्लाइडिंग हो रही है, अभी नीचे इनका स्टॉल लगा हुआ है जहां से ये बंदों को बताते हैं उसके बारे में कि हाँ भाई इतने इतने रुपए प्राइस है, ये है ये है। फिर जब इनका प्राइस फिक्स हो जाता है तो ये ऊपर लेकर जाते हैं, तो हम भी ऊपर जा रहे हैं। अब हमारा भी प्राइस फिक्स हो चुका है, तो अब हम आपको दिखाएंगे ऊपर से जब नूप कैसे उतरते हैं। अच्छा नूप कैसे उतरते हैं, चलो नूप कैसे उतरते हैं वो चीज हम आपको दिखाएंगे। और पोचिंग की मैं उतरूंगा मैं तो, और बंदों को किल करना बहुत तगड़ा। जोर जम उतरूंगा, जोर जम तू जोर जम उतरेगा, कटका मैं पटकूंगा। और तू भी, तू कहाँ उतरेगा? मेरा तो जोर जम खुली है। सबसे पहले मरे इस क्वाइट में, सबसे पहले यही मरता है। चलो ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं और मस्ती करते हैं खूब दबा के। तो रिजवान भाई इन लोगों को अपनी जायदाद नाम में करते हुए अपनी वसीयत लिख रहे हैं। ये मौत का संदेश है, ये मौत का संदेश लिख रहे हैं अपना, क्योंकि ये इससे पहले की राइटिंग से कराने से पहले ये पहले पूछ लेते हैं कि हाँ भाई मरने और जीने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी कोई नहीं है। ₹70 की प्रॉपर्टी है, जिंदगी और मौत का हो रहा सिग्नेचर यहाँ, बात पैसों की नहीं हो रही है। लैंड करा देगी, पार्ट टू टीम निकल पड़ी है पैराग्लाइडिंग के लिए। देगी कार से जा रहे हैं, 1 मिनट तो 100-200 ज्यादा दोगे? जिमर रख लिए, खुले करके ले लिए मैंने। ठीक है, ओ भाई मारो मुझे मारो, अबे ये ऑफ रोड ने पकड़ के, ओ बहनचोद भाई गार्ड ले ले, लैंड करा दे, आज यही चलेगा वहां पे। 100-200 तो है नहीं लेकिन यही चलेगा भाई, गांड ले ले लैंड करा दे। अरे कहां रोक दी, यहां से हमें धकेला जाएगा या उड़ाया जाएगा। वो जगह आ गई है, मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बार बैक कैमरे से। वहाँ हमारी पूरी टीम खड़ी है तैयार, अभी लड़ाई होगी कौन पहले जाएगा, और यहाँ से हमें ढकेला जाएगा, मतलब फ्लाई कराया जाएगा। ओह वाओ, व्हाट अ व्यू। कौन जा रहा रिजवान भाई? पहले मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, साफ बता दे रहा हूं। तू जाएगा? हाँ भाई नाजिम तुम जाओगे पहले? यस यस, तुम जाओगे? अरे अपन तो चला जाएगा, बहुत हिम्मत है बस। अरे जैन से भी तू जाएगा? नहीं मैं लेके जाऊंगा तुम लोगों को, मैं तो चलाऊंगा। अच्छी है सालो, अभी तो फ्लाई भी ना करा, चेहरा कैसा हो रहा है? हवाई होली पड़ी है तेरी, बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरा तो धड़क रहा भाई, मेरा भी धड़क रहा। नॉर्मली होता हार्ट अटैक से पहले। गाइस वसीम भाई हो चुके हैं रेडी पैराशूट में उड़ने के लिए, इन्हें सारी सेफ्टी दे दी गई है। मैं देखता हुआ जाऊंगा, और ये इनकी तलाश में जा रहे हैं भाईजान की, भाईजान की तलाश में। और भाईजान कुछ मांगेंगे रास्ते में तो दे दोगे? बोलते हुए हाँ दे देंगे, वो तो एक्सपर्ट है। शेर भी जा रहा पीछे, शेर शेर है पीछे, शेर नहीं है, कम मिले चीते की। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, और मेरा गोप्रो भी हो चुका रेडी, तो मैं अब जा रहा हूँ नीचे फ्लाई करने के लिए, देखता हूँ कैसा रहता, दुआ करना मेरे लिए बढ़िया रहे। भाई आप भी आ जाओ ना। हाँ 1 2 3 भागी भाई। रिक्की भाई हेलो बोलो, हेलो।
बहुत फट रही जरा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप उड़ चुके हैं, ठीक है आज ऐसा खुला रखिए। मैं आपका खुद का आपका अपना प्रो प्लेयर जैन सैफी और मैं उतरूंगा पोचिंग की। मैं मेरा ख्याल रखना वहां पर, पेटी मत बनने देना, मैंने तैयारी कर ली है, लेवल 2 का हेलमेट मेरे पास पहली है और ये पैरासूट है जिसकी स्किन मैंने ले रखी है रॉयल पास से। तो देखते हैं गाइस, बहुत ख़तरनाक पैराग्लाइडिंग हो रही है यार, और 100-200 रुपये भी रख लिए मैंने अपनी जेब में लैंड कराने के लिए। सही है, अब आगे की शूटिंग गोप्रो से होगी। तो भाई गोप्रो ऑन हो गया हमारा और मेरी जो है बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा मुझे। और ये हमारे साथ सनी भाई, सनी भाई ब्रिकिंस भाई, ब्रिकिंस। और भाई आपका महेंद्र सिंह धोनी। आपने भागना, हाँ मेरे को भागना। अरे भाई चारों तरफ हो रही कोरा सनी भाई है। थोड़ी खराब रहती है।
तो मेरी राइड हो चुकी है कंप्लीट। काफी अच्छा लगा, मगर वो नीचे को आ रहा था ना तो बड़ा खतरनाक लग रहा था। तो फाइनली मैं जीत चुका हूँ बाजी, और हमारा एक लड़का भी आया था मुझसे पहले, उससे भी मिलता हूँ। उसका कैसे रहा? हाँ भाई, तेरा कैसे रहा? कांग्रेचुलेशन। तेरा कैसे रहा? तेरा तो बहुत ही मजा रहा, मजा ही आ गया। मुझे पता कब डर लग रहा था, जब वो नीचे को आता था ना तब मेरी फटती थी। गाइस मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा भाई, भाई मेरे... मैंने कितना अच्छे से किया। मेरी तो पटी तो भाई, हम सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं ब्रो। मेरा भाई, मेरा गलती से वीडियो नहीं बन पाया यार, मैंने बहुत अच्छा बोला था, मैंने बहुत अच्छी। क्यों पता नहीं यार। और हमारा सालिम को उतारा इन्होंने पत्थरों में। चल कोई नहीं। तो फाइनली गाइस हमने कर ली है फ्लाई, जो की थी बटरफ्लाई। और वसीम भाई की लगी है बैंड। नहीं भाई साहब, वीडियो देख ली है लोगों ने, लोगों ने वीडियो देख ली है, उन्हें पता किसकी फटी किसकी नहीं फटी। मेरी नहीं फटी, मेरा जरा हॉट घुसक हो गए थे, और जहाँ जहाँ मेरी फटी है मैंने बता दिया लोगों को कि मेरी यहाँ फटी है। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। रिजवान भाई कैसा था? मैंने उससे 200 रुपए और लिए ना लेने का नहीं। और तुम्हारा नाजिम? मैं 500 रख के लेके गया। और तालिब? बिलाल तो तुम्हारी कोनी फूट गई है, तुम्हारी कोनी फूट गई है। और सालिम बेकार था, डर के आगे जीत में जीत। और इसका बहन के लोड़े का ए भाई साहब धान। ड्राइवर जो था चलाने वाला, पैराग्लाइडिंग करने वाला, वो डर लेने लगा था क्योंकि मैंने उसके ऊपर ले, तो फिर मैंने खुद चलाई पैराग्लाइडिंग। हवा में ही मैं पलटा भाई, हवा में ही पलटा। यही तब मैंने उसे फिर बचाया, उसे अपनी सीट पे बिठाया पैराग्लाइडिंग। हवा में तभी तुम्हारा भाई कहां हूं कहां, मैंने देखा ले 500। सबसे शानदार एक्सपीरियंस आज तक का, इससे पहले राफ्टिंग का था, अब ये है। अब ये है जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था, और ऐसा मजा आया क्योंकि मैंने उसे कोचिंग के में उतार दिया, और फॉलो भी इंस्ट्रक्शन करने को अपने बोले मैंने, कहा बहुत ही शानदार। और मजा आने वाला है, चलो कल और भी मजा आने वाला है, क्योंकि कल है बर्फ में कुश्ती। एक रह गया, इसका भी देख फूल। हाँ भाई बेटे, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा। मारो पता चल लिया इसका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत बकचोदी करी है। ओके चलो ठीक है, वापस आ गए हम होटल। होटल में करेंगे थोड़ा रेस्ट, फिर जाएंगे खाना के लिए, और फिर करते हैं कंटिन्यू क्या कर सकते हैं। माल रोड जाएंगे। जो भी खरीदना होगा माल रोड से हम रात में खरीदेंगे। और अभी सोते हैं। कल का प्लान जहां हम सुबह गए थे, जहां से हमारा कट गया था सी, उसी जगह दोबारा बता दे गाइस, वहां पर होने लगी है स्नोफॉल। हमारा कट चुका प्रॉपरली, स्नोफॉल देखने गए थे बट अभी वो हो रहा है। अब हो रहा है, यहां से बारिश पड़ के रह चुकी है, मगर कोई नहीं, कल देखेंगे।